हम बात कर रहे हैं एक वायरस की जो कि चाइना से शुरू होके पूरे विश्व में चारों तरफ घूम रहा है और अब ये भारत भी आ चुका है। जी हाँ, हम उस वायरस की बात कर रहे हैं जो कि इसमें ना जाने कई मौसमों की जान गए हैं और कई हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो इस वायरस का नाम है कोहराम। जी हाँ, ये चाइना से शुरू हुआ और चाइना से शुरू होके ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि अब भारत में पहुंच गया। भारत की मुंबई, जो कि सबसे बड़ा जाने माने शहर है, मुंबई में भी पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि चाइना कुछ आदमी अपने बिजनेस के सिलसिले में गया था, जो कि वो वापस मुंबई लौटा तो ये बीमारी साथ में लेके आया। इससे अपने भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है कि जो भी यात्री चाइना से आए उसे तुरंत एयरपोर्ट से निकलते ही चेकअप किया जाए। और हाँ, ये वायरस किसी जीव जंतु या किसी आदमी से नहीं, ये एक सांप से आया है। जी हाँ, ये वायरस सांप से आया है और माना जा रहा है कि ये वायरस सांप से निकल के आदमी में आया और आदमी से अब पूरे भारत, पूरे चाइना, पूरे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि 12 राज्यों में, 12 देशों में फैल चुका है। और इस वायरस से करीबन अभी 1,000 मरीज, 1,000 आदमी इस वायरस ने लपेट चुका है और करीबन 50 आदमी की मौत हो चुकी है। और इंडिया में करीबन 20 आदमी पे पाया गया है ये वायरस, खास करके मुंबई में, मुंबई में सबसे अधिक पाया गया है। तो इस वायरस का लक्षण है सबसे पहला कि जाड़ा, बुखार आना, पहले बुखार आना, बुखार आने के बाद फिर शरीर में दर्द देना, दर्द देने के बाद धीरे धीरे उसे कमजोर बना देना। इस वायरस का सबसे बड़ा लक्षण है बुखार। अगर बुखार आ गया तो आप तुरंत अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं और उसका चेकअप करें। और हाँ, सबसे पहली बात कि ये वायरस एक दूसरे से फैल रहा है, इसलिए अपने नाक और मुंह में कपड़ा ढक के रखें एनी टाइम, हर हमेशा, ताकि अगर आपको है तो किसी और को ना हो, और अगर किसी और को है तो आपको नहीं होना चाहिए। इस वजह से आप, और अन्यथा अपने सबको बोलो, अपने आसपास पड़ोस को, कि अभी फिलहाल इस वायरस से बचने के लिए मुंह में कपड़ा ढकना जरूरी है। और उसके बाद आपको पता है कि चाइना से जो बीमारी उत्पन्न होती है वो बहुत तेजी से फैलता है और थमने का नाम नहीं लेता है। इस वजह से अपना सुरक्षा स्वयं करें और इस वायरस, इस जानलेवा बीमारी से बचें और अपना शरीर का ध्यान दें। ओके, थैंक्स, मैं आपसे यही कहने के लिए आया था। गुड बाय।